तो हेलो इंडिया, क्या हाल चाल है आप सभी का। हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया है। राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया। अरे क्यों हंस रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्या हुआ? अरे और अब्बा आज हमारा यहाँ पे काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं कान्हा जी की नगरी में वृंदावन मथुरा घूमते घूमते। एंड भगवान जी से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान जी जल्दी हमें बुलाना और जो सारे देख रहे हैं ना आपको भी बुलाए भगवान जल्दी से। और आज होली है, होली की आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह अरे आंटी यार बार फाइट करी जा रही, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना बार वाली आंटी भी उसका भी हाइपर हो जाता है, डिस्टर्ब कर दिया। मैं क्या बोल रहा था यार, आज की होली बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे जब बोली क्या फॉलकन एक जगह का नाम है, वहां पे होती है अग्नि वाली होली, मतलब होली का दहन। वहां पे ना एक कांटों का बड़ा सा बाड़ा बनाया जाता है। वहां पे ना पंडित क्या बोलते हैं, पांडे पंडा मैं पांडे जी बोल रहा हूँ, पंडा लोग होते हैं ना, वो उस आग में जल्दी आग में से ना निकलते हैं। एंड वो वाला सीन देखने वाला होगा यूट्यूब में ना, उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा होली है ही नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अभी मतलब यूपी को प्रमोट करना शुरू करा है ना। पहले भी था मतलब मथुरा वाली होली, बट हम शायद छोटे थे उस टाइम, सुनने को नहीं मिला होगा। अब ज्यादा हो रहा है ना, तो वो वाली होली स्पेशल देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। और मेरे को ट्रेन टिकट भी बुक करनी है, आपको बताना मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप के लिए निकलना है, क्योंकि उसके बाद का शेड्यूल सारा बन चुका है। उसके बाद चार धाम की यात्रा खुल जाएगी, फिर मेरे को चार धाम की यात्रा करनी है, उसके बाद लद्दाख खुल जाएगा, अपना लद्दाख घूमना है। एंड उसके बाद चले जाएंगे किसी और कंट्रीज में घूमने के लिए। भाई भगवान ने स्पेशल चुना है हमें घूमने के लिए, इतना तो बनता है ना। तो ठीक है, आज का दिन शुरू करते हैं लेके कान्हा जी का नाम राधे राधे जी, यहाँ पे राधे राधे बोला जाता है। ठीक है चलते हैं, आज देखते हैं अग्नि वाली होली कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम रेडी हो चुके हैं नए सफर पे निकलने के लिए। यहाँ से 45 किलोमीटर है, और अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आए हुए ना दो दिन हो चुके हैं धर्मशाला के हॉलिडे को। सारा सामान हमने वहाँ पे सेट कर दिया है। अरे कौन बिल्लू वाली आवाज निकाल रहा है बाहर, डिस्टर्ब करे जा रहा है यार। पहले नल चले जा रहा है, पहले वो आंटी लड़ाई कर रही थी, अभी ये डिस्टर्ब करे जा रहा है। निकलते हैं, बड़ा लंबा सफर है, चलते हैं। खाना वाला देखो यार, धर्मशाला की क्या हालत कर दिया हमने, सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है कि चैन से सो सके। एनीवे चलते हैं, 350 में इतनी फैसिलिटी मिलेगी। भाई बाहर तो धूप निकली हुई है, दिख भी नहीं रहा प्रॉपर। कहाँ गया, क्या आवाज निकाल रहा है भाई तू। लो भाई अपना सफर शुरू हो चुका है एक नई मंजिल की ओर। कहाँ जा रहे हैं, फॉल्कन बोले जा रहे हैं। तो टाइम हो चुका है कान्हा की नगरी मथुरा से जाने का, बट फिर से वापस आएंगे। सामने लिखा है श्री कृष्ण जन्म स्थान, एंड यहाँ पे ना छोटे छोटे वो बनाया गया जलाने के लिए, होली दहन करने के लिए आज। एनीवे हम तो बहुत बड़ी जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा दहन होगा होली का। चल भाई सारथी, चलो चलो। देखो भाई कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन से तो आप निकल चुके हैं, बट सच बताऊ ना मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ में ना बहुत सारी चीजें हैं जो कान्हा से रिलेटेड है वो घूमने के लिए बची हुई है। पर आपको पता है ना, अगर मैं एक ही बार घूम लूंगा फिर नेक्स्ट टाइम क्या करने के लिए आऊंगा, इसलिए मैंने ना बहुत सारी चीजें छोड़ दी है, जैसे इस्कॉन टेम्पल छोड़ दिया, निधि वन छोड़ दिया, और भी बहुत सारी जगह थी जो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। नंद बाबा जी का घर जो मैं आपको बता रहा था घूम के, मतलब आपको दिखाऊंगा, बट आपको पता है ना समय की शॉर्टेज है। भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे, फिर अच्छी तरह घूमेंगे, अगले साल ही आएंगे होली खेलने, क्योंकि मेरे को ना यहाँ की होली बड़ा मजा आया सच्ची। चलते हैं अभी हमें खाना भी खाना है, 50 किलोमीटर सफर भी तय करना है, एंड वहाँ पे हम ना पहले पहुँचने वाले हैं, थोड़ा बहुत जानकारी हो जाती है, देखते हैं कैसे रहती है सबसे बड़ी होली का दहन इंडिया में। ना सुबह वाला मस्त वाला खाना हो चुका है यार, खाना खाने के बाद ना मैं आलसी हो जाता हूँ। वैसे आपको बता दूं दिन में ना एक टाइम खाना खाता हूँ, इतनी ज्यादा डाइटिंग कर रहा हूँ, पर फायदा क्या है, एक टाइम मैं कितनी रोटी खाता हूँ आप ना शौक हो जाओगे। कम से कम अभी भी मैंने 5-6 खाई होगी, अगर मैं अभी खाना नहीं खाता तो शाम को खाता ना कम से कम 8-9 रोटी तो खा ही जाता यार, इतनी बड़ी बड़ी रोटी होती है यहाँ पे, इतनी ज्यादा भूख लगती है। फिर शाम को फ्रूट खाता हूँ अपने, मतलब जो मेरा मन बोल रहा है ना, मतलब मैं डाइटिंग कर रहा हूँ बट रियलिटी में मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, और जिससे गैस प्रॉब्लम भी हो जाती है एक साथ खाने के बाद, पेट एकदम से फूल जाता है ना। ठीक है अभी निकलते हैं भाई, जहाँ पे हम होली खेलने के लिए जा रहे हैं ना वहाँ पे होटल भी नहीं है और इतनी ज़्यादा फेमस जगह भी नहीं है, बट काश
हम उसे फेमस कर दें। ठीक है चलते हैं। हेलो सर जी नमस्ते। नमस्कार कुछ भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर जी आप बताइए। वीडियो नहीं आया आज इसलिए फोन किया। अरे मैंने कल वीडियो नहीं बनाया सर जी। हाँ जी हाँ वो इंटरनेट भी नहीं था ना कल बढ़िया यहाँ पे निकलेगी। ओ भाई ओ बाप रे फाइनली अपना 40 किलोमीटर तो पूरा हो चुका है फाल्कन ब्लेज में पहुंच चुके हैं। बट यहाँ से देखो गूगल मैप कहाँ पे लेके आ चुका है। ये फालन विलेज के लिए जाने का रास्ता फालन विलेज हाँ फाल्कन यहाँ पे होली हो रही है ना जलाने वाली होली फालन हाँ फालन गूगल मैप इधर लेके आ गया हमें। यार गूगल मैप ना चंगा वाला मजाक कर रहा है हमारे साथ। पहले किसी कॉलोनी में लेके चला गया अभी भी किसी लोकेशन पे लेके जा रहा है कोई गांव वाली साइड से लेके जा रहा है। ठीक है क्या बता फालन गांव बोला था उन्होंने वो वाला साइड क्या बता गांव वाली साइड ही हो कुछ ऐसा गांव है भाई। तो अभी दोस्तों हम ना फालन गांव है ना 3 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा भटकने के बाद हम सही तो जा रहे हैं। अभी पता नहीं है गूगल मैप के सहारे जा रहे हैं और पी लग गया इसलिए रेस्ट लेनी पड़ी थोड़ी बहुत। एंड यहाँ पे देखो भाई गेहूं कटने के लायक हो चुका है कुछ टाइम के बाद कटने वाला है। यूपी में पहले कटता है हमारे जम्मू से। अभी इतनी गर्मी भी नहीं है यहाँ पे जितनी भाई अंडमान निकोबार में थी तगड़ी वाली गर्मी थी सच्ची वहाँ पे। एंड नेक्स्ट ट्रिप यहाँ पे होने वाला है ना वहाँ तो गर्मी भयंकर वाली है मजा आएगा वैसे। हे भगवान थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं देन चलते हैं क्योंकि अभी हम ना बहुत पहले आ चुके हैं। फेस्टिवल शुरू होने वाला है शाम को 4 बजे पहले पहुंच जाएंगे 1 घंटा बट इतना नहीं है कि 3-4 घंटे पहले पहुंच जाए। ठीक है कितना किलोमीटर है भाई अभी? अरे हम फारिन से जा रहे हैं भाई। आप भी जा रहे हो उधर? उधर फारिन या फालन है? फालन में क्या होता है? बंडा निकलता है जी। बंडा निकलता भैया अच्छी वाली होली होती है मतलब फेमस। हाँ जी फेमस होली होती है भाई साहब। बाहर से लोग आते हैं? बाहर से लोग आते हैं देश विदेशों से लोग आते हैं और रात भी हमने वही प्रोग्राम करे हुआ। अभी गुलाल लगा हुए हो देखो। अच्छा हाँ रात को लगाया था आपने? कसम से शाहरुख खान फेल कर दो तुमने। अरे भाई साहब दिखता नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या हो गया भैया को? बचपन से ऐसी है। अच्छा अच्छा खराब हो गई आंखें ना? नहीं नहीं बचपन से जन्म से आंखें नहीं है पहले से इसमें देख सकते हो आप। बाकी हमारा जो है गाने बजाने का काम है हम वही पे प्रोग्राम करते हैं। अच्छा अच्छा चलो हम भी आपके साथ साथ आ रहे हैं। आ जाओ चलो कान्हा जी से प्रे करेंगे आप जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएंगे। कभी कभी ना कुछ फेस्टिवल को देखने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वही हम करने वाले हैं। फाइनली दोस्तों काफी ज्यादा भटकने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे फालन गांव में। बट अभी हमें पता चला है जो जलाने वाली होली का होती है ना वो सुबह ना 4 बजे होती है ना भैया? सुबह 4 बजे होगी। अभी क्या होगा फिर? अब होगी गुलाल वाली होली। अच्छा 7-8 गांवों से आते हैं। हाँ आज तो पूरे इंडिया में होली हो रही है। मैंने आपको हैप्पी होली बोला है ना सुबह याद रखना यार। ओए कहाँ लेके जा रहे हो ये वाले जलाने के लिए? फाइनली दोस्तों हम मथुरा से 40 किलोमीटर सफर तय करके भक्त प्रहलाद जी के गांव पहुंच चुके हैं। भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा क्योंकि गूगल मैप 2-3 बार तो गलत जगह पे लेके चला गया और हंसी इसलिए आ रही है जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए आता हूँ पीछे गाने शुरू हो जाते हैं। मैं कम से कम 10-15 टेक ले चुका हूँ। मेरा गला भी थक चुका है यार। भैया एक राजपूत है का? हाँ एक मिनट वीडियो बनाने दे भाई। भाई वीडियो बनाने दे दो मिनट। दोस्तों ये वाली है वो स्पेशल चीज जो मैं आपको 3-4 दिन से दिखाने वाला था। मैंने काफी टाइम पहले आपको बोला था जब मैं मथुरा में आया था ना मैंने बोला आपको होली का दहन दिखाएंगे मतलब जल्दी ही होली उसमें से ना पंडा लोग निकलेंगे। एंड ये वाली वो होली है यहाँ पे ना वो होली का थे ना वो भक्त प्रहलाद को लेके अपनी गोद में लेके ना यहाँ पे बैठे हुए थे। एंड तभी से यहाँ पे होली का फेस्टिवल बनाया जाता है। एंड दिख रहा है लोग ना अपने घर से वो छोटी छोटी पाथी होती है ना घोड़े गोबर के बने होते हैं फुलवे और क्या बोलते हैं सरदार जी घोड़े को क्या बोलते हैं? पाथियां तो पंजाब में बोलते हैं और फुलवे उबले 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 हाँ उबले लेके आए हैं छोटे छोटे दिख रहे हैं जो सारे घर से बना के आए हैं छोटे छोटे हार टाइप के। एंड फैक्ट पता क्या है जो कंडे दिख रहे हैं ना आपको सुबह ना पंडा लोग
उस पानी में नहा के ना कुंड में नहा के निकलेंगे सीधा एंड इस अग्नि से सीधा क्रॉस करेंगे, मतलब जलती हुई आग से। वो सुबह 4 बजे होगा देखने वाला। मेरे तो पहले भाई रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतनी इसकी लपटे भी कम से कम मंदिर से ऊंची होगी। बाप रे, इससे कैसे निकलेंगे? अरे मक्खी काटना मत यार, ये नहीं है कुछ भी। अरे उठ जाओ, अब काटना मत। तो ठीक है, सुबह 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा एंड तभी देखने को मिलेगा वो भाई खतरनाक वाला सीन। उनको ना पंडा लोग ना, जो पंडित लोग होते हैं ना, उनको शायद ना वो क्या बोलते हैं, ताप होता है ना अग्नि का, मतलब क्या बोलते हैं, गर्माहट नहीं लगती है, तभी वो भाई इतनी जल्दी हुई आग से निकलवाते हैं। एंड गांव के लोग सारे यहाँ पे पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और जे आप जो धागा देख रहे हो ना, जे प्रति गांव के एक बंदे ने बांधा हुआ है। देखो यार कितने सारे धागे भी हो चुके हैं यहाँ पे। देखो यार, पहले ना हमें लग रहा था हम भी यहाँ पे अकेले आ चुके हैं, मैं और अर्श भाई, बट बाद में पता चला पंजाब हर स्टेट से यहाँ पे बंदे आए हुए हैं। वो बात अलग है कि थोड़ी क्वांटिटी में आए हैं, इसलिए क्राउड आपको थोड़ा कम दिख रहा है। पीछे भाई लोग पंजाब से आए हैं, सारे पंजाब से है भैया, सारे पंजाब से, हरियाणा से भी है, जम्मू कश्मीर से भी है कोई। भैया हम यूपी से, यूपी से ना आया तो जम्मू कश्मीर से है। कौन है? गोरखपुर। मैं महाराज के घर से आए हैं। मैं जम्मू कश्मीर से भैया। और भी काफी लोग हैं पूरी स्टेट से, मतलब एक एक बंदा आ रखा है यहाँ पे, तभी आपको थोड़ी क्राउड कम दिख रहा हो, बट फिर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सुबह 4 बजे तक यहीं पे वेट करना पड़ेगा और देखते हैं कैसे निकलते हैं पंडा लोग इस जलती हुई आग से। अरे भाई अभी होली चलेगी, अलग अलग गांव से लोग आएंगे यहाँ पे झांके लेके। भाभी तो दिखानी है, भाभी भाभी तो दिखानी है, भाभी देखनी, अरे भाभी दिखानी है, अच्छा बै दिखानी है। और साथ में ना मैं आपको ये बताना भूल गया, ये ना पूरी कांटों की बनी हुई है। दादी क्या बोल रहे हैं इसे? जाड़। पूरा कांटों से बना हुआ है ना? ना ना, उबले हैं इसमें अंदर। अंदर उबले हैं? हाँ। अच्छा, मतलब ऐसे वाले घोड़े हैं? हाँ। देखो, बड़े हाथ देखो, उबले हैं सब। अच्छा, जो होली का माता जी बिठाए जाएंगे, सुबह बिठाएंगे वो? हाँ। ऊपर बिठाएंगे है ना? हाँ। और जो पंडा लोग होंगे वो उधर से आएंगे, आग से निकल के? आएंगे इस कप्पी से। अच्छा, यहाँ से आएंगे सीधा? हाँ। सीधा बिल्कुल बीच से निकल जाएंगे? देखो यार, होली में तो आ चुके हैं बट यहाँ पे ना टाइम पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पहले मेरे को लगा था कि वो जो जलाने वाली है ना होली का, वो शाम को जला दी जाएगी और सुबह तक हम फ्री हो जाएंगे, बट अभी टेंशन ये हो रही है कि शाम को हम कहाँ पे रुकेंगे। ना यहाँ पे होटल है, ना कोई धर्मशाला है, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है शाम को। और अभी तो भाई होली वाले कहाँ पे, अभी कब आएंगे वो जो होली खेलेंगे? 5 बजे आएंगे, मतलब 5 बजे यहाँ पे भी जम के होली होने वाली है। जैसे पहले आपको मैंने दिखाई ना, शाम को 5 गाँव के लोग इकट्ठे होंगे ना, 7 गांव के लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे होली सेलिब्रेट करेंगे, फिर थोड़ा मजा आएगा। बट अभी थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा बगल में किसी के घर के बाहर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि होली खेलने वाले यहाँ पे कब आएंगे। फिर शाम का रहने का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, कोई बस एक खाट मिल जाए ऐसी रहने वाली, रात में गुजार लूंगा। चादर हमारे पास है, मच्छर यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कब आते हैं होली वाले, 7 गांव वाले एक साथ होली खेलेंगे यहाँ पे। खाना चाना खा लिया है, अभी रुकने की जगह होगी ना रात को वहाँ पे पूरी रात? हाँ। खाट तो इधर ही रहेगी ना? ठीक है, अगर नींद लगेगी तो इधर आ जाएंगे, खाट दे देना एक सोने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मैंने अपने 2 घंटे यहाँ पे खाट लिए हमारे से इन भाई लोगों के पास, और भाभी जी आए थे, बोल रहे टेंशन मत लो, अगर आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी ना आप हमारे इधर आ जाना। चलते हैं, अभी होली वाले भी आ चुके हैं एंड कुछ ऐसा वाला नजारा होने वाला है। भाभी ने मेरे को बोला कि वहाँ पे ना पूरी रात मतलब मेला चलता रहेगा, वहाँ पे आप रह भी सकते हो मेले में, क्योंकि सुबह 4 बजे लोग यहाँ पे मतलब इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, 3:30 बजे हो जाएंगे क्योंकि वो नहाएंगे पंडा लोग, फिर पूजन करेंगे, इसलिए काफी ज्यादा टाइम लगे। पहले मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं आया था ना, मैं पहले यहाँ पे घूम रहा था, मतलब 2-3 घंटे तो टाइम पास करना ही था क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच गए थे 2 बजे। और यहाँ पे मैं पता क्यों आया, इस वाली साइड वहां बैठने के लिए पता क्यों गया, पहले मेरे को लगा कि इधर ना शादी हो रही है, पार्टी चल रही है, मैंने बोला चलो बिन बुलाए मेहमान चले जाते हैं, पार्टी में थोड़ा बहुत खा लेंगे। बाद में पता चला कि इन्होंने तो त्योहार के लिए कलर को रंग करा है। चलो भाई, प्लान फेल हो गया, बट 2 घंटे अपने कट चुके हैं, चलते हैं होली खेलते हैं, होली वाले आ चुके हैं सारे, चलते हैं थोड़ा बहुत हम भी सेलिब्रेट करते हैं भाई। Yeah.
कुछ टाइम के लिए बंद हो चुकी है। मतलब जो मैंने आपको ढोल दिखाए थे ना, वो 21 झांकियां थी, 21 और 7 गांव के यहाँ पे लोग आए थे होली खेलने के लिए। माँ कसम दिल खुश हो गया, क्योंकि आपको बताया ना मैं वृंदावन में थोड़ा लेट पहुंचा था, लड्डू वाली और लटमार होली मैंने सेलिब्रेशन नहीं करा था, मैंने ओनली फूलों वाली होली अटेंड करी थी। बट जे वाली होली खेल के ना मन, मतलब क्या बोले उसे, दग दग हो गया यार दिल से। बहुत नाचा मैं, बहुत होली खेली, इवन की रंग मेरे ऊपर किसी ने फेंका नहीं, वो मैं वेट करता ही रहा, मैं ना देखता रह गया कोई मेरे मुंह के ऊपर भी रंग फेंकेगा, वैसे किसी ने फेंका नहीं, फिर मैंने खुद ही लगा लिया। एंड सच यार मजा आ गया यहाँ पे। और अभी वेट होने वाला है सुबह 4:30 बजे का, अभी हम सो जाते हैं, टाइम हो चुका है शाम के 7:30, अभी सो जाएंगे हम, सुबह उठेंगे 7:30 बजे और रहने के लिए हमें जगह मिल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह मिली है, वो वाली भाभी वाली करने जा रहे हैं हम, किसी और के घर जा रहे हैं जहाँ पे हमने बाइक लगाई हुई है। ठीक है, सुबह 4 बजे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट आज ये वाली वीडियो अभी चल रही है, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनी टिकट भी बुक हो चुकी है, कल मेरे को निकलना है। एंड कल वाली होली हम सेलिब्रेशन, अरे सॉरी पानी प्यास लगी है ना, कल वाली होली हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं द्वारकाधीश में। अरे कान्हा जी जब बड़े हो गए थे उनको द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है, शायद उनकी द्वारिका थूक भी निकले जा रहा है यार, मेरे को प्यास लगी है, बाद में मिलता हूँ, मजा आ गया सच्ची यार। ऐसा नजारा है फैलेन मथुरा वाले जो गांव होते हैं ना, यूपी वाले गांव, शाम को कुछ ऐसा नजारा होता है, मैं आपको थोड़ा इधर से दिखाता हूँ। पता क्या चलता है रात को, मतलब ऐसे इन्होंने आग जलाई है ना, ये थोड़े हरियाणवी टाइप है, क्योंकि दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर है, मतलब हरियाणा वाली टाइप वाइब तो टच होती है ना। अंदर पी रहे हैं मजे से बैठ के हुक्का, क्योंकि हुक्का यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पिया जाता है। और गाँव वाले अभी भी मेले की तरफ आ रहे हैं और हमें मिला है ऊपर छत दिख रहा है ना, वहाँ पे मिली है 2 खाट रहने के लिए, अभी हम वेट कर रहे हैं। जो बाईजी है ना इस घर के ओनर है, वैसे पता नहीं चल रहा है इस घर में कितने सारे ओनर है, क्योंकि अंदर जाते हैं ना बहुत सारी फैमिलीज है, दिख रहा है हमारी तरह यहाँ पे और भी लोग रुके हुए हैं, इन्होंने बोला कि आपको यहीं पे रुकना है, यहीं पे खाना है। तो अभी वेट कर रहे हैं भैया जी का जो ओनर है, एंड उनसे परमिशन लेके 2 खाट लेके जाएंगे ऊपर सोने के लिए, फिर भाई सुबह जल्दी भी उठना है, 2:30 बजे उठना है। यहाँ पे एक फायदा हो जाएगा, इनका ही टॉयलेट यूज कर लेंगे, सुबह नहा भी लेंगे फटाफट, एंड कल फिर से हमें मथुरा जाना है होली खेलने के लिए। मैंने सोचा था मथुरा को आज ही गुड बाय बोल देंगे, बट कान्हा जी ने हमें फिर से बुला लिया है, कल हम जाएंगे द्वारकाधीश में होली खेलने के लिए, क्योंकि ट्रेन है कल मथुरा से रात को 8:30 बजे, तब तक हम होली भी खेलेंगे और मैं आपको नंदगांव भी घुमा दूंगा। ठीक है, अभी भाई जी का वेट कर रहे हैं एंड फिर देखते हैं रहने के लिए जगह ऊपर मिलती है या नीचे मिलती है। तो देवी और देवताओं फाइनली टाइम हो चुका है रात के 10:30। जो मैंने आपको पहले वाला घर दिखाया था ना, भाई ने हमें हमारी सोने के लिए व्यवस्था कर दी है, बट दिक्कत पता क्या है, भाई ने बोला आप खुले में कहाँ सोओगे, छत में, वहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर होगा, इसलिए उन्होंने हमारे ना यहाँ पे हॉल में पंचायत घर है यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर दी है। ऊपर पंखा भी चल रहा है, आप कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे यही दिक्कत है कि बाहर हो रहा है सामने जागरण, और उसका स्पीकर है ना, जो स्पीकर हमारी तरफ है, एंड इस हॉल में ना आवाज गूंजी जा रही है। ठीक है भाई, 10:30 हो चुके हैं, सुबह 3:30 बजे उठना भी है। तो आज का ब्लॉग इतना रखते हैं, नेक्स्ट वाला ब्लॉग पक्का देखना, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि वो पंडा जी जलती हुई आग में से कैसे निकलेंगे, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, जय भारत, सुबह जल्दी उठना है भाई साहब। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।